कैथल के कॉलेज स्टूडेंट तेजपाल ढांडा के यूथ पावर ग्रुप के सदस्य इलाके के जरूरतमंद परिवारों का संबल बन रहे हैं। पिछले 6 महीने में यूथ पावर ग्रुप के सदस्य 100 से ज्यादा परिवारों की सहायता कर चुके हैं। ग्रुप के सदस्य मानते हैं कि गरीब कोई नहीं होता, जरूरतमंद होता है और सिर्फ अपने लिए जीने के कोई मायने नहीं है। तेजपाल ढांडा ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति की पड़ताल करने के बाद जरूरत के अनुसार मदद पहुंचाई जाती है। ग्रुप की गतिविधियों में सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाता है। पहले ग्रुप के सदस्य अपने स्तर पर फंड इकट्ठा करते थे, पर काम का दायरा बढ़ने के बाद अन्य स्रोतों से भी फंड आने लगे हैं। ये 4-5 महीने से हमारा काम चल रहा है, वैसे राशन पानी का। इससे पहले कपड़े वगैरह बांटे गए हैं, तो 100+ से ज्यादा परिवार हो चुके हैं जहाँ तक हम राशन पानी पहुँचा चुके हैं। जितना भी रसोई का अपना आम परिवार में राशन चलता है, वही उनके पास पहुँचाया जाता है। हमने गाँव टू गाँव जाके हमने ढूंढे थे, और लेकिन एक सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है, तो वहाँ से पता लगता रहता है, फोन आते रहते हैं, तो वहाँ जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हाँ है या नहीं है जरूरतमंद परिवार, और फिर वहाँ तक राशन पहुँचा। इसमें राशन की हेल्प होती है, पहले देखते हैं कितने मेंबर हैं, उन्हीं मेंबर के हिसाब से वहाँ राशन पहुँचाया जाता है। दो या कैथल में तो देखो आसपास सबकी जान पहचान होती है, दूसरे भी जो जैसे दूर के गांव हैं वहाँ भी जानकारी निकाल लेते हैं। पहले वहाँ देखते हैं परिवार की हालात, जाके देखते हैं कि क्या ज़रूरत है वहाँ पे, कैसी है, और फिर वहाँ मदद की। पहले फ़ंड हमने कॉलेज स्टूडेंट हैं हम, वहाँ से हम इकट्ठा करते थे 5-7 जितने भी थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया बढ़ता गया और भाईचारा है जो वो बढ़ता गया, और वहाँ से फ़ंड आता गया। फिर तो बस यही है कि जो गरीब है वो रात को भूखे ना सोए, उनको 2 टाइम की रोटी मिलती रही। आगे की प्लानिंग तो बस यही है, जब तक हम हैं सेवा करते रहे, हमारा तो सेवा ही माध्यम है, भावी सेवा। पैदा हो गए, स्टडी कर ली और कहीं जॉब कर ली, उसके बाद शादी कर ली, मतलब अपने लिए जीवन जीना ही कोई जीवन नहीं होता। संतुष्टि पानी है अगर रियल लाइफ में भी, हाँ मैंने कुछ दूसरों के लिए किया है, तो वो चीज़ सबसे अच्छी होती है। देखो ये तो है नहीं भी कोई गरीब होता है, गरीब कोई नहीं होता, जरूरतमंद होता है। मैं अपने मतलब आपके माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आसपास भी कोई अगर किसी को देखे कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, तो वो खुद से हेल्प कर दे अपनी सोसाइटी में, अपने जो आस पड़ोस हैं उनसे पैसे लेके या राशन पानी लेके हेल्प कर दे। सबसे अच्छा मतलब अपने आप ही करेंगे लोग इकट्ठे अपनी सोसाइटी में, तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे किसी के पास। सरकार का तो ये है, मतलब कागजों में आते हैं जो भी आते हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, नीचे तक पहुँच नहीं पा रही हो। अपने कैथल में देख लो, अर्जुन नगर जो कॉलोनी है उसमें आपको 100 से 150 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो भूखे सोते हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। उनके पास अपने BPL कार्ड भी नहीं है, अभी राशन कार्ड भी कोई वो, बल्कि हमारे ग्रुप के जरिए ही कुछ लोगों की पेंशन भी बंधवाई गई और उनके लिए BPL कार्ड भी बनवाए गए मदद से। मैं नगर परिषद में DC रेट पे लगा हुआ था पहले, तो वहाँ से जो मेरे लगे हुए हैं मेरे साथ के, वो भी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। और जो हमारी फंडिंग है मोस्टली आउट ऑफ कंट्री से भी आ रही है, जो हमारे फ्रेंड गए हुए हैं वहाँ पे। ये मेन मोटिव है क्या जी, मतलब जो अच्छी अर्न करता है, कुछ भी इनकम का सोर्स है उस पर, वो खुश अपनी कमाई था, अपनी कमाई 30 दिन की कमाई में से 1 दिन की कमाई कहीं भी सेवा पे लगाई है, नहीं कि हमारे ग्रुप से, पूरे हरियाणा में या पूरे देश में कहीं भी लगाए, इससे खुद को भी शांति मिलेगी और लोगों में, और बढ़िया मैसेज आएगा कि हम हेल्प करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, यूथ पावर ग्रुप के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।